सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पलाश हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ लघु संदेश सेवा यानी SMS शुरू करने जा रहे हैं। SMS अर्थात शॉर्ट मैसेज सर्विस अर्थात लघु संदेश सेवा ने बढ़ती तकनीक। आगे देखिए SMS के उद्देश्य क्या हैं, जैसे किसी भी बात को सुनना या सूचना को तुरंत दूसरे तक लिखित माध्यम से अथवा रिकॉर्ड करके पहुंचाना ही SMS है। अधिकतर यह मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यह तुरंत पहुंचता है, संक्षिप्त होता है और इसकी शब्द सीमा निर्धारित नहीं होती, नो वर्ड्स लिमिट, यानी कितने भी वर्ड्स में लिखा जा सकता है। इसे चित्रों, संगीत के माध्यम से आकर्षक और रोचक बनाया जा सकता है। यह सीमित शब्दों में भी हो सकता है और असीमित शब्दों में भी। आगे देखिए निम्नलिखित SMS को आगे बढ़ते हुए देखिए, जैसे प्रणव और अमन की आपस की बातचीत के बीच SMS। प्रणव भाई, पापा ने मना कर दिया। अमन, पर क्यों, वो तो मुझे जानते हैं। प्रणव, हाँ भाई, गाड़ी भी नहीं है, पापा 9 बजे घर आएंगे और हिंदी का होमवर्क भी करना है। अमन, वो कर लेना, ज़्यादा नहीं, अभी कर लो। प्रणव, नहीं अमन, पापा गुस्सा होंगे। अमन, हाँ ये तो है, हमें घर वालों की बात टालनी नहीं चाहिए। प्रणव, ओके, हैप्पी बर्थडे अमन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अमन, थैंक यू, आई विल मिस यू, कल स्कूल में केक लेकर आऊँगा। प्रणव बाय, अमन बाय। हाँ जी बच्चे, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर संदेश सेवा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।